मैम, जब शादी होकर एक लड़की दूसरे घर आती है तो शादी के बाद जो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो होता है एक बच्चा। अब एक बच्चा हो गया, अब 2 साल बाद पेरेंट्स बोलते हैं अब दूसरा बेबी भी कर लो। 2 साल बाद हमने दूसरा बेबी भी कर लिया, लेकिन इस बीच जो पहला बच्चा है वो कहीं ना कहीं खुद को साइड फील करता है अपने पेरेंट्स से। उसे लगता है कि वो अटेंशन नहीं मिल रही जो 2 साल तक उसे मिली है, वो अटेंशन नए बेबी को मिल रही है। ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स जो हैं वो उस पहले बच्चे को कैसे टैकल करें, इसके बारे में कुछ बताइए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द कपल्स इस चीज़ को फेस भी करते हैं कि बच्चे जल्दी जल्दी से हो गए और पहले बच्चे की ओर ध्यान नहीं दिया गया और उसको उसके साथ उसका सिबलिंग था। और देखिए, ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को बहुत समझदारी से बच्चों के साथ चलना है। सबसे पहले बच्चों को इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप दोनों हमारे लिए इक्वल हो। अक्सर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली छोटे बच्चे की ओर ध्यान ज़्यादा हो जाता है, बड़े बच्चे की ओर ध्यान कम हो पाता है। लेकिन अगर हम बच्चे को एक ओपन कम्युनिकेशन से हम इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दें, उनको ये बता दें, एक्नॉलेज करें कि आप दोनों हमारे लिए एक हो, आप दोनों हमारे लिए सिमिलर हो, लेकिन अभी आपका जो छोटा भाई है या बहन है उसको थोड़ी सी टेक केयर की ज़रूरत ज़्यादा है और इसके लिए आपका हमें साथ चाहिए, आपका भी हमें प्यार चाहिए। हम तीनों मिलकर, आपके पापा, मम्मी और आप, हम तीनों मिलकर आपके बहन या भाई को टेक केयर करेंगे या उसका ध्यान रखेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड कि जब हम बच्चों को अपने साथ ऐड कर लेंगे, अपने रिलेशन में उनको जोड़ लेंगे, तो उनको लगेगा कि यस, आपने उनकी हेल्प ली है या आपने उनसे थोड़ी सी सहायता की मांग की है। उससे क्या होगा कि बच्चे उस चीज को बड़े अच्छे से टैकल कर लेंगे। ये नहीं कि हमने बच्चों को जिम्मेदारी देना है, जिम्मेदारी नहीं देना, उसको फ्री विल के लिए छोड़ देना है कि वो आपकी सहायता कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाना, उसके लिए वैसा ही उसको टेक केयर करना है ताकि आप तीनों मिलकर उसको अच्छे से देख रेख कर सके। और देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटा है, छोटे के लिए ज़्यादा चीज़ें आ जाए, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो वस्तुओं से ही एक दूसरे को सेटिस्फाइड करना सीखते हैं। वो सीखते हैं कि मम्मी पापा ज़्यादा अच्छी चीज़ छोटे के लिए लाए हैं या बड़े के लिए नहीं लाए हैं। वो एक ऐसी जो भावना है चीज़ों से हटकर एक दूसरे के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि हम बड़े के लिए नहीं लाए या छोटे के लिए लाए हैं या छोटे के लिए लाए हैं बड़े के लिए लाए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हो वो आपका इक्वालिटी में हो। और फ्रेंड्स, रीजनिंग, आप बच्चों के क्वेश्चंस का क्या आंसर करते हैं, उन पर उनका क्या इफेक्ट होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप कैसे रीजन जो हैं, कैसे कारण उनको व्यक्त कर पाते हैं, करने में सक्षम है या नहीं है, ये बच्चों की कोमल भावनाओं पे इसका बहुत इफेक्ट रहता है। सो इसलिए उनके अंदर एक इक्वालिटी को लेके आना हर एक पेरेंट के लिए जरूरी है। समय देना, मान लीजिए अगर आप छोटे बच्चे को टेक केयर कर रहे हो तो उसको भी इन्वॉल्व करो। अगर आप बड़े बच्चे के साथ खेल रहे हो तो कुछ देर के लिए आप अपने लिटिल बेबी को किसी और फैमिली मेंबर की भी हेल्प ले सकते हो। उससे क्या है कि बड़े बच्चे को ये लगेगा कि मैं निग्लेक्ट नहीं हो रहा, अगर मम्मा मेरे छोटे बहन भाई को देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, तो मुझे भी इक्वली देख रहे हैं। और देखिए, आप अपनी तरफ से बेस्ट करिए, न्यूट्रल रहिए, जो आपको आपकी बुद्धि से समझ आ रहा है वैसा ही करिए। ज़्यादा करने के चक्कर में या उनको ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि इक्वल फील कराने के चक्कर में कहीं कुछ गलती ना हो जाए या बच्चे की भावना को हम ठेस ना पहुंचा दें। इसलिए जो आपसे इजी हो सकता है, सहज हो सकता है, आप वैसा ही करिए। मैम, समय काफी बदल गया है। पहले के समय में लड़कों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और लड़कियों को कहीं ना कहीं वो भेदभाव की जो स्थिति थी वो फेस करनी पड़ती थी, लेकिन आज के समय में वो परिस्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन
जहाँ ये परिस्थिति होती है कि आज के समय में भी लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है और वहीं बेटियाँ जो हैं वो आपको अपने आप को साइड फील करती हैं, ऐसे में उनके जो फ्यूचर पर जो है उसका काफ़ी ज़्यादा गलत असर पड़ता है। ऐसे में आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी या उन्हें क्या समझाना चाहेंगी कि उन्हें दोनों बच्चों के साथ किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं इसके लिए सब पेरेंट्स को कहूंगी कि ट्रस्ट के साथ साथ पुरानी विचारधारा को छोड़ना और नई विचारधारा को अपनाना बहुत आवश्यक है। जो पुरानी चीजें हमें जिंदगी में नहीं चाहिए होती वो हमेशा हम उनको छोड़ देते हैं, वैसे ही ये कंपैरिजन गर्ल है या बॉय है, हमें उसे समय के साथ इस चीज को छोड़ देना चाहिए। आजकल हमें ये शायद इसको इस चीज की चर्चा की जरूरत नहीं है कि लड़कियां क्या कुछ कर रही हैं, लेकिन यस हमें उन पे फेथ होना, ट्रस्ट होना और सेफ्टी को फील करना फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स के अंदर ये मन में भावनाएं क्यों आती हैं, गर्ल्स की सिक्योरिटी को लेकर, उनके प्रोटेक्शन को लेकर। तो हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, हम एक यूनिवर्सल हेल्प मांग सकते हैं अपने हर बच्चे के लिए। मैं तो ये कहूंगी कि ना अकेली लड़की के लिए, लड़कों के लिए भी, हमारे बच्चे सबके लिए, कि हमारे जो बच्चे हैं इस दुनिया में सुरक्षित हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कंपैरिजन आ रहा है वहां दम जाओ ऐसे नहीं करो, ये सब क्यों आ रहा है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है कि बच्चों को कोई हार्म ना हो जाए, बच्चे कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी एनर्जी को हम पॉजिटिव रखते हुए यूनिवर्सल हेल्प मांग सकते हैं। हम उनके एंजल्स को बोल सकते हैं, उनके गाइड्स को बोल सकते हैं कि आप मेरे बच्चों को हेल्प करिए, मेरे उन्हें प्रोटेक्ट करिए, या आप लाइट को उनके लिए भेज सकते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो हमेशा लाइट में प्रोटेक्टेड है। फ्रेंड्स ये बहुत बहुत ही मैं कहूँगी फ्रूटफुल है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप लाइट को चैनल कीजिए अपने बच्चों के साथ, आप लाइट को भेजें, उनको डिवाइन सोर्स के साथ कनेक्ट कराइए। एक मैं आपको अफर्मेशन बताती हूँ जो आप बच्चों के लिए कर सकते हैं और बच्चों को बच्चे भी अपने आप के लिए कर सकते हैं। डियर डिवाइन लाइट कम फॉर मी एंड आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड इन डिवाइन लाइट। आप अपने बच्चों के लिए क्या बोल सकते हैं, डियर डिवाइन लाइट कम फॉर पलक, शी इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड इन डिवाइन लाइट। डियर डिवाइन लाइट कम फॉर राघव, ही इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड इन डिवाइन लाइट। जब आप ये अफर्मेशन, ये मैसेज आप यूनिवर्स तक भेजेंगे, आपके बच्चे ऑटोमेटिकली क्या होंगे, लाइट में प्रोटेक्ट हो जाएंगे और आपको उनकी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो गर्ल है, बॉय है, अकेले कहीं जा रहे हैं, रात को कहीं लेट हो रहे हैं, किसी दूसरे सिटी में रह रहे हैं, इवन कि आप तब भी ये चीज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस, मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। सो आज मैं पीएमसी हिंदी के माध्यम से आप सबके साथ इस चीज़ को साझा कर रही हूँ। और फ्रेंड आप मानिए कि मैं अपने बच्चों के प्रति एकदम बेफिक्र हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चों के साथ लाइट है, मेरे बच्चों के साथ ध्यान है। और फ्रेंड्स एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, आपकी चाहे बॉय है गर्ल है, बच्चों को ध्यान करना सिखाइए। आप सिर्फ बच्चों से ध्यान की अपडेशन लीजिए और देखिए, मेरी बेटी दूसरी स्टेट में पढ़ रही है, तो मैं जब भी फोन कॉल करती हूँ मैं उससे ये नहीं पूछती हूँ कि आपने क्या खाया क्या पढ़ा, मैं उसको ये पूछती हूँ कि आपने ध्यान किया। और जब बच्चा ध्यान की ऊर्जा में सुरक्षित है तो बच्चा कुछ भी कर सकता है, और माँ का मन कैसा रहता है, एकदम सेटिस्फाइड, फुल ऑफ ट्रस्ट, फुल ऑफ फेथ एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस। सो फ्रेंड्स हमेशा कंपैरिजन को समाप्त करें और मेडिटेशन का सीड, मेडिटेशन का उपहार अपने दोनों बच्चों को या जितने भी आपके बच्चे हैं उनको दीजिए। सिबलिंग आपस में एक हैप्पी और हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हैं? सिबलिंग्स हमेशा अपने लिए हैप्पी और हेल्दी जो है एक रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स, उनकी हेल्दी टॉक्स के साथ। बच्चे आपस में कैसे बात कर रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है,
क्या वो एक दूसरे के साथ प्यार से बातें कर रहे हैं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं, वो बच्चे अपने हेल्दी टॉक्स के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत कर सकते हैं। सो इसलिए मैं कहूँगी कि बच्चे हमेशा ये सोचें कि मेरा बहन मेरा भाई मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक ईश्वर का भेजा हुआ मेरे लिए फ्रेंड है जिससे कि मैं अपनी हर बात कर सकता हूँ, अपनी हर बात को कर सकती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, मैं इतने वर्षों से बच्चों को ध्यान सिखा रही हूँ, मेरे खुद घर के बच्चे ध्यान कर रहे हैं। मैं कहूँगी कि जब से बच्चों को मैंने बच्चों को मेडिटेशन की फाउंडेशन से परिचित करवाया है, मेडिटेशन का सीड दिया है, तब से मैंने देखा है कि उनके जीवन की आधारशिला बहुत मजबूत है। क्योंकि उनकी जो टॉक्स होंगी वो सिर्फ इस जीवन से संबंधित नहीं होंगी, उनकी टॉक्स कैसी होंगी, स्पिरिचुअल टॉक्स होंगी, आत्मा से आत्माओं का कम्युनिकेशन होगा। आपने क्या एक्सपीरियंस किया, मैंने लव को एक्सपीरियंस किया, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, मैंने आज जेलस को एक्सपीरियंस किया, मैंने अपने इस लाइफ के एक्सपीरियंस से क्या सीखा, आपने अपने लाइफ के इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा। सो फ्रेंड्स, जब बच्चे ध्यान के माध्यम से इस तरह की हेल्दी टॉक्स करेंगे तो वो उनके एक जीवन की आधारशिला बनेगी, और जब वो उनकी आधारशिला होगी तो फ्रेंड्स वो बड़े होके भी क्या बनेंगे, स्पिरिचुअल पार्टनर्स बन जाएंगे। सो इसलिए एक सच्चा प्यार या जिसको मैं कहूँ कि अनकंडीशनल लव की डेवलपमेंट हम बच्चों में देख सकते हैं अगर वो स्पिरिचुअल पार्टनर्स हैं, ध्यान कर रहे हैं, अपने हेल्दी टॉक्स जो हैं वो कर रहे हैं। और देखिए, हेल्दी टॉक्स का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि उनकी ज़िंदगी में जो पॉजिटिव है वही एक दूसरे के साथ शेयर करें। ज़िंदगी के अंदर जो भी डिफ़िकल्टीज भी कहीं अगर उनको आ रही हैं, कोई ऐसी परिस्थितियाँ भी आ रही हैं जो भी जो उनका उनको कहीं ना कहीं सल्यूशन चाहिए, वो अपने छोटे और बड़े बहन भाई से भी उस चीज़ के साथ मैनेज कर सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं और अपनी लाइफ में उस चीज़ को रिफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, एक जो बहन भाई होते हैं ना, वो एक दूसरे के लिए एडवाइजर्स भी होते हैं, गाइड्स भी होते हैं, और हम उम्र होने के नाते क्या है, बहन भाई एक दूसरे की जल्दी सुन लेते हैं कंपैरेटिवली पेरेंट्स की। सो इसलिए अच्छी टॉक्स, ध्यान, लव का रिलेशन बच्चे एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करें।